दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्यूज कैसा इंक्रीज करते हैं और वो भी जेन्युइन तरीके से। और आप मेरे चैनल पर जाके पॉपुलर वीडियोस में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 30,000 के ऊपर जो है मेरी वीडियो वायरल हो गई है, 20,000 18,000 मेरे चैनल पर व्यूज है। अभी मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो को स्किप ना करें। मैं हूं आपका दोस्त कामरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल कामरान जी। सच के सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, देखिए YouTube, जब आप एक न्यू क्रिएटर है, जब आप एक न्यू YouTube चैनल चला रहे हैं और आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे YouTube आपका फ्रेंडली होता है दोस्तों। यानी कि YouTube सिस्टम जो है आपकी वीडियो को सजेस्टेड और रिकमेंड वीडियोस में जरूर भेजता है दोस्तों। देखिए जब आप YouTube सर्च में कोई भी टॉपिक क्लिक करते हैं या टाइप करते हैं हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube, तो आपको उस वीडियो देखने के बाद साइड में रिकमेंड वीडियोस करता है, तो आप जो है वो रिकमेंड वीडियोस को भी क्लिक करते हैं। लेकिन वो क्लिक करने से आपको उससे पहले जो है ध्यान रखना है दोस्तों, आपका थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप कोई भी वीडियो बनाए तो वहां पे आपके टैग को जरूर रैंक करें दोस्तों। अगर आपका टैग रैंक नहीं होगा तो आपकी वीडियो जो है टॉप 10 या टॉप 20 में नहीं आएगी यूट्यूब सर्च में। तो इसके लिए आपको जो है दोस्तों अपना टैग जो है जरूर रैंक कराना होगा। और ये आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में भी जाके ले सकते हैं कि हाउ टू रैंक टैग, मैं यहाँ पे सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अब देखिए वीडियोस को इंक्रीज करने में यहाँ पे YouTube का भी मदद होती है। YouTube न्यू क्रिएटर्स को जरूर अपने व्यूज बढ़ाता है दोस्तों। आपको अपना वीडियो का कंटेंट जो है वो अच्छा क्वालिटी बनाना है और लॉन्ग वीडियोस बनाना है दोस्तों। जितना हो सके आप अपनी वीडियो को 10 मिनट के ऊपर रखिए, क्योंकि ये एक YouTube का सिस्टम है। जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं वो YouTube सर्च में टॉप आती है और वो वॉच टाइम की मदद से ही आती है। अगर आप 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो अगर आपका कोई पब्लिक ऑडियंस जो है 5 मिनट की भी वीडियो वो देखती है, तो आपकी वीडियो की रैंकिंग हो सकती है दोस्तों। क्योंकि अगर ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है, उसमें वॉच टाइम अच्छा है, तो आपकी वीडियो सजेस्टेड में भी जाती है, रिकमेंड में भी जाती है और व्यूज भी स्लोली इंक्रीज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने वीडियो को लॉन्ग भी बनाना है और अच्छा उसमें क्वालिटी कंटेंट भी देना है। और दूसरा तरीका आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं अपने व्यूज को पाने के लिए, आप अपने दूसरे फोन से जो है सोशल मीडिया पे भी रैंक करा सकते हैं। जैसे कि फेसबुक ग्रुप्स हो गए, फेसबुक पेज हो गया, फेसबुक आईडी हो गई, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इसमें आप करा सकते हैं। लेकिन जो वीडियो आप जिस डिवाइस या मोबाइल से अपलोड करते हैं उस डिवाइस से आप शेयर ना करें दोस्तों। वीडियो की लिंक आप दूसरे मोबाइल से शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब आपकी आईपी एड्रेस को पकड़ लेगा और एक्सटर्नल के वक्त दिक्कत आ सकती है। 50% एक्सटर्नल इट्स ओके दोस्तों, लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल 50 से ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे यूट्यूब ये समझता है कि आप जो है दूसरों को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बोल के व्यूज कमा रहे, वॉच टाइम गेन कर रहे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा यूट्यूब और मोनेटाइजेशन को दिक्कत आ सकती है। तो आप जो भी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं दूसरे फोन से शेयर करिए, अपने दोस्तों को बोलिए शेयर करने के लिए, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपनी तरफ से जितना हो सके शेयरिंग से बचिए दोस्तों। और आप एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करके रखिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन बताए वीडियो में कि आपका ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा हो और एंगेजमेंट भी अच्छा हो, इससे आप जो है व्यूज ज्यादा कमा सकते हैं। देखिए अगर आपका वीडियो में एंगेजमेंट अच्छा रहा तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाएगा। ऑडियंस रिटेंशन का मतलब टोटल वॉच टाइम बढ़ जाएगा। जब टोटल वॉच टाइम आपका अच्छा आता है वीडियो पे, तो आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में टॉप जाती है और दूसरों के ब्राउजर और सजेस्टेड में भी जाती है, जिससे आपका वॉच टाइम ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है और दूसरों को भी जो है वहां पे व्यूज कमा सकते हैं दोस्तों आप दूसरों के सजेस्टेड में, ठीक है। तो आपको ये ख्याल करना है दोस्तों। आज की वीडियो में जितना था मैंने आपको बोल दिया, जितना मुझे अपना एक्सपीरियंस था उतना मैंने आपको शेयर कर दिया दोस्तों। चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको YouTube से रिलेटेड मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। टेक्निकल कामरान जी को इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।